कार्यालय, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय उसकी विभिन्न शाखाएं हैं, उसके कार्यों की समीक्षा कर ली जाए कि क्या क्या कार्य की जा रही है, कहाँ कहाँ कार्य सही है, कहाँ कहाँ कार्य को और सुधार करने की आवश्यकता है। और आपने देखा कि साथ में सारे वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हुए हैं, जिससे कि जो भी निर्देश हम दें उसका वो अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। खास दिशा निर्देश शाहजहांपुर पुलिस को दिए गए हैं। देखिए, ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण की एक स्थापित प्रक्रिया है, जिसके तहत जैसे अधिकारीगण आते हैं, निरीक्षण करते हैं। जनपद में भी पहले पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी निरीक्षण करते हैं, उसके बाद परिक्षेत्र स्तर के पुलिस महानिरीक्षक, जोन स्तर के अपर पुलिस महानिरीक्षक वगैरह आते हैं, और हम लोग अलग अलग शाखाओं का निरीक्षण करते हैं। तो इस निरीक्षण प्रक्रिया में हम लोगों ने 27 तारीख को थाना तिलहर का वार्षिक निरीक्षण किया था, और आज हमने यहाँ पर आया, आपके सामने पुलिस कार्यालय का भ्रमण किया। पुलिस कार्यालय विभिन्न शाखाओं को देखा, यहाँ साफ सफाई अच्छी है, अभिलेखों का रखरखाव अच्छा है, उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने निरीक्षण प्रारंभ किया है। अभी हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पत्र व्यवहार शाखा कही जाती है, उसको इंग्लिश ऑफिस भी कहा जाता है, उसका निरीक्षण संपन्न हुआ। फिर आंकिक शाखा का संपन्न हुआ। अभी अपराध का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, वो समाप्त हुआ है। अभी छोटी मोटी शाखाएं और हैं, जैसे जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो है, विशेष जांच प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, इन सब का हम लोग निरीक्षण करेंगे। अभी सामने आई है, जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जा रहा है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि जोनल स्तर पर भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाए पुलिसकर्मियों को बेहतर काम करने वाले? देखिए, इस दिशा में जो हमारे वर्तमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उन्होंने काफी अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने जब एज डीजीपी ज्वाइन किया था, तभी उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था सभी थानों में एक कॉप ऑफ द मंथ होंगे। सभी थानों में जो थाने में पूरे महीने में अच्छे कार्य करते हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर हो, उनको कॉप ऑफ द मंथ के रूप में चुना जाएगा। वो एसपी साहब चुनेंगे अपने सीईओ के रिकमेंडेशन बेसिस पर, और पूरे महीने भर उसका फोटो थाने में लगाया जाएगा। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो पुलिस महानिदेशक के स्तर से जो एक सिल्वर डिस्क या गोल्ड डिस्क दिया जाता है, कमेंडेशन डिस्क, वो भी दिया जा रहा है, वो भी हमारे अधिकारियों को दिया गया है। और इसी प्रकार जो जनपद स्तर पर जो कर्मचारी अच्छे काम करते हैं, उनको पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया जाता है। जो उससे अधिकारी अच्छे, ज्यादा अच्छे काम करते हैं, उनको इस तस्वीर मेरे पास भेजते हैं, तो मेरे स्तर सम्मानित किया जाता है। आपने देखा होगा, आपके जनपद में माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था, वो वीआईपी ड्यूटी हमारे लिए काफी चुनौती थी। उसमें काफी अधिकारियों ने, चाहे राजपत्र अधिकारी हों, चाहे अराजपत्रित अधिकारी हों, विभिन्न थाना प्रभारी थे, थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने अच्छा काम किया था। उनकी लिस्ट इन्होंने भेजी थी, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने काम किया कि जो हमारे जिले में जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है, सनसनीखेज अपराध है, हम लोग तफ्तीश कर लेते हैं, चार्जशीट भेज देते हैं बाद में, लेकिन वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सही उसकी पैरवी नहीं कर सकते हैं। उसी के क्रम में पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में हम लोगों ने सभी जो हमारे थाना प्रभारी हैं, जो राजपत्र अधिकारी हैं, चाहे क्षेत्राधिकारी हों, चाहे अपर पुलिस अधीक्षक हों, सभी एक एक हीनेस केस की पैरवी कर रहे हैं और पैरवी कर सजा करा रहे हैं। उसमें भी हमारे कुछ अधिकारियों ने सजा कराई है, उसको भी हमारे स्तर से प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अच्छा काम था, लेकिन इस बार पुलिस उंगली उठेगी गिरफ्तारी को लेकर? नहीं नहीं, सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और सही तफ्तीश की जाएगी। पाल रही थी उसको भी माइके के पास पोस्ट किया गया, ऐसी कोई योजना जोनल स्तर पर की जा रही थी? ये हम लोग करते रहते हैं जोनल स्तर पर भी। देखें, एडीजी स्तर के, एडी साहब के अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, एडीजी उसके चेयरमैन है, मैं भी उसमें मेंबर हूँ, हमारे एसएसपी बरेली मेंबर है। तो जो भी इस तरह अनुकंपा के आधार प्रार्थना पत्र आते हैं, जिनमें कोई हार्डशिप होती है, चाहे बच्चे वाली हार्डशिप हो, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, उनकी खुद की बीमारी होती है जहाँ अच्छा इलाज नहीं हो पाता है, बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनके माता पिता वृद्ध हैं, माता पिता बीमार हैं, तो ये सब कंसिडरेशन को लेकर के हम लोग अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण करते हैं, करते आते हैं। लेकिन स्थानांतरण करते हम लोग दो बात ध्यान रखते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो पुलिस विभाग में लोग भर्ती हो रहे हैं, किसी एक जनपद से ज्यादा भर्ती हो जाते हैं, तो वो हमेशा ज्यादा लोग इच्छा होती है हम लोग उसके आसपास रहें, तो हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते सबको वहीं भेज दें कि कुछ जिलों में लोग बचे ही नहीं। तो दोनों चीज को, विभाग की जो आवश्यकता है, विभाग के जो हित है, विभाग के हित को भी ध्यान में रखते हैं, और जो हमारे आरक्षी हैं, मुख्य आरक्षी हैं, उप निरीक्षक हैं, उनकी भी जो अपनी परिस्थिति है, अपनी आवश्यकता है, उनको अनुकंपा, उनको भी ध्यान